हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बात करेंगे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे मैस्लो की थ्योरी और हर्सबर्ग की थ्योरी ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाई हुई है और उन दोनों ही थ्योरीज का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप दोबारा भी देख पाए बट एक सवाल है एक ऐसा क्वेश्चन है एक्चुअली में जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हर मैनेजमेंट टीचर या हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है कंपेयर एंड कंट्रास्ट

इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे सो लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे आज के लेक्चर में तो फर्स्ट थिंग विल बी टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू थ्योरीज एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट डिसमिलारिटी बिटवीन क्योंकि कंपेयर भी करना है एंड कंट्रास्ट भी करना है तो दोनों चीजें हमें बतानी पड़ेगी हमें सिमिलैरिटीज भी बतानी पड़ेगी एट द सेम टाइम हमें डिसिमिलैरिटीज भी बतानी पड़ेगी बिटवीन बोथ द थ्योरीज तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग एंड दैट इज कॉल्ड सिमिलैरिटी बिटवीन दिस टू थ्योरीज द फर्स्ट पॉइंट हियर इज दैट बोथ द मॉडल एज्यूम्ड दैट स्पेसिफिक नीड्स एनर्जाइजेस बिहेवियर अगर आप ध्यान से देखें मैस्लो की थ्योरी भी यही कहती थी कि अगर नीड होगा तो नीड से कोई भी तरह का मोटिवेशन होगा और मोटिवेशन की वजह से बिहेवियर होगा सिमिलरली हजबक की थ्योरी ने भी यही एजम्स लिया था कि नीड्स जो होती हैं वो लोगों में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एंड बिकॉज ऑफ दोज नीड्स कहीं ना कहीं लोगों का जो एक्शन है लोगों का जो बिहेवियर है द वे दे एक्ट वो सब कुछ उसी चीज पे डिपेंड करता है और जिस तरह की हमारी नीड होती है जितनी ज्यादा हमारी उस चीज की नीड होती है उतना ज्यादा हमारा हमारे बिहेवियर में एनर्जी होती है वो उतना ज्यादा हमारे बिहेवियर को एनर्जाइज करता है तो पहली चीज पहली सिमिलैरिटी आ गई कि दोनों जो है वो इसी एजम्स के ऊपर बेस्ड थे दोनों थ्योरी then they talk about a close examination of hersberg model indicates those employees who have achieved a level of social and economic progress in the society higher level needs of maslow are the primary motivator ab yahan pe ek cheez hume samajhni padegi maslow ki theory mein kya tha कुछ नीड्स जो थे वो lower level needs थे और कुछ जो थे वो ऊपर वाले वो higher level needs थे but यहां पर हाउसबर्ग की थ्योरी में उन्होंने ये कहा कि अगर जो इंप्लॉयज या ऐसे जो लोग हैं जिनका बेसिक सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो चुका है मतलब ऑलरेडी वो अपने सोशल नीड अपने इकोनॉमिक नीड्स मतलब अपने उनके पास रहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान वो चीजें उन्होंने पूरी कर ली है तो इसका मतलब वो हायर लेवल नीड्स जो है वो उनका प्राइमरी मोटिवेटर बन जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ऑलरेडी एक एक डिफरेंसिएशन क्रिएट कर दिया एक सिमिलैरिटी स्टेब्लिश कर दी कि जो नीचे वाले जो जो आपके लोअर लेवल नीड्स हैं मैसलो के वो क्या बन गए वो आपके मेंटेनेंस फैक्टर से लिंक्ड हो गए जबकि जो ऊपर के दो लेवल हैं वो आपके मोटिवेशन फैक्टर से लिंक्ड हो गए

ऑलरेडी थे तो मेंटेनेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम हिडारकी ऑफ नीड्स की बात करें सो वी कैन से दैट मनी माइट स्टिल बी द चीफ मोटिवेटर फॉर मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिव एम्प्लॉयज एंड आल्सो फॉर सम लो पेड मैनेजरियल पीपल इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी अगर हम ध्यान से इस बात को समझें तो मनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर बन जाता है मैस्लो की थ्योरी में भी और हर्जबर्ग की थ्योरी में भी दोनों जगह पर आपको एक स्ट्रांग मोटिवेशन देखने को मिलता है स्पेसिफिकली इन दो पीपल जो लो पेड जॉब्स में काम करते हैं या जिनके नीचे के लोअर लेवल नीड्स अभी तक सेटिसफाइड नहीं हुए हैं

कम अंडर लोअर ऑर्डर नीड जैसा मैंने आपको जस्ट बताया तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं उससे आपको सिमिलरिटी को establish करना बहुत आसान हो जाएगा अब इस डायग्राम को देखो अब एक साइड पे ये मैस्लो का मॉडल है एक साइड पे हसबर्ग का मॉडल है अब ये वाले जो ऊपर के हमारे फैक्टर्स है ये हमारे मोटिवेटर फैक्टर्स है और नीचे वाले जो ये तीन है वन टू थ्री दीज आर योर मेंटेनेंस फैक्टर अगर आप ध्यान से देखो अब यहां पे ये जो नीचे वाले लोअर ऑर्डर वाले नीड है जिकल से वो हाइयर ऑर्डर कहलाते हैं आप ये डायग्राम अगर आप दिमाग में रख लोगे तो आप क्लियरली इस चीज को स्टैब्लिश कर लोगे की हसब और मासडल में क्या सिमिलैरिटी थी एक बात तो हमेशा याद रखिएगा दोनों के बेस में वो नीड है नीड है, नीड है तो मोटिवेशन है मोटिवेशन है तो बिहेवियर है दिस दिस थिंग थिंग यू मस्ट राइट अब इसके कुछ हैिटीज के बारे में बात करते हैं लेट्स बिगिन की इसमें डिसिमिलरिटीज क्या थी सबसे पहला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ नीड्स अब ऑर्डर ऑफ नीड्स की बात कर लेते हैं मैस्लो की थ्योरी एक हिरारिकल अरेंजमेंट में थी हिरारिकल अरेंजमेंट का ये मतलब था पहले आप नीचे वाले लेवल को सेटिसफाई करेंगे फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर ऊपर 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 जाएंगे 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 ऐसे कर करके आप ऊपर बढ़ेंगे ऑन द अदर साइड जो हर्जबर्ग का मॉडल था उसमें कोई भी एस सच हिरारिकल अरेंजमेंट नहीं थी उन्होंने क्लियरली कहा दो तरह के फैक्टर्स होते हैं वन इज कॉल्ड मेंटेनेंस फैक्टर अदर इज कॉल्ड मोटिवेशनल फैक्टर अगर मेंटेनेंस फैक्टर आपको मिल भी रहा है तो उससे कोई मोटिवेशन नहीं बढ़ेगी मोटिवेशन तभी बढ़ेगी जब मोटिवेशनल फैक्टर्स मिलेंगे ठीक है सेकेंड पॉइंट वॉज एसेंस ऑफ थ्योरी थ्योरी का एसेंस क्या था मैसलो की थ्योरी ये कहती थी अनसेटिस्फाइड नीड एनर्जाइजेस बिहेवियर एंड द बिहेवियर कॉजेस परफॉर्मेंस सिंपल सा लॉजिक है कोई भी नीड जो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही या उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे उसके लिए हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाती है और गोल को पूरा करने के लिए उसी अकॉर्डिंगली हम बिहेव करने लग जाते हैं जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है दिस इज वॉट इज ऑल एसेंस ऑफ थ्योरी ऑफ मैस्लोवॉज लेकिन यहां पर क्या था यहां पे था ग्रेटिफाइड थ्योरी यहां पे क्या था ग्राटिफाइड नीड्स कॉजेस परफॉर्मेंस अब ग्राटिफाइड नीड्स क्या होती है पहले उसके बारे में बात करते हैं तो ग्राटिफाइड नीड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्लेजर देती है राइट right? बेसिक चीजें नहीं ठीक है बेसिक चीजें अगर आपको मिल जाएंगी तो उससे आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा राइट यहां पे उन्होंने क्लियरली कहा था कि मोटिवेशनल फैक्टर्स से ही मोटिवेशन होता है मतलब ऐसी कोई चीज जिससे मुझे प्लेजर मिल रहा है कोई ऐसी चीज जो हमें बहुत ज्यादा खुश कर दे रही है उससे हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है अब इसमें तीसरा पॉइंट था दैट वाज मोटिवेटर मोटिवेटर का क्या डिफरेंस है थ्योरी कहता था एनी नीड कैन बी अ मोटिवेटर इफ इट इज रिलेटिवली अनसेटिस्फाइड अब उन्होंने क्लियरली कहा था नीड चाहे फिजियोलॉजिकल हो चाहे सोशल हो चाहे इकोनॉमिक हो कोई भी तरह का नीड है अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है मतलब वो नीड पूरा नहीं हुआ है तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी लेकिन हर्सबर्ग की थ्योरी क्या कहती थी कि सिर्फ हाइयर ऑर्डर नीड्स ही मोटिवेटर का काम करते हैं लोअर लेवल नीड्स जो होते हैं वो मोटिवेटर का काम नहीं करते लेट्स क्या है फोर्थ डिसिमिलैरिटी क्या है That is called factors. अब Maslow की थ्योरी ने क्या कहा एग्जिस्टेंस ऑफ सम फैक्टर क्रिएट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड देर नॉन एग्जिस्टेंस एटीट्यूड एक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके होने की वजह से हमें पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, है जबकि अगर वो चीज़ नहीं होगी तो हमारा एटीट्यूड निगेटिव हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी पर्सन के लिए तो उन्होंने किसी भी गोल के लिए ऑन द अदर साइड अगर हम हजबर्ग थ्योरी की बात करें तो उन्होंने कहा द पॉजिटिव एंड निगेटिव फैक्टर्स आर Completely different. उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो एकदम अलग होते हैं और जो निगेटिव फैक्टर्स क्रिएट कर दिया था कि एक साइड पे मोटिवेशन होता है जो कि प्लस साइन है और एक साइड पे निगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है जो कि कहीं भी मैस्लो की थ्योरी में उसके बारे में बात नहीं की गई थी अब जो फिफ्थ डिफरेंस था यहां पर दैट वॉज कॉल्ड एप्लीकेबिलिटी अब एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं थ्योरी वॉज टेकिंग जेनरल ऑफ द मोटिवेशनल प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर उसने वर्कर्स के एक जेनरल ओवर व्यू को एक लेकर ध्यान में लेकर के उसको उसके बेस पर इस थ्योरी को बनाया था जबकि हजबक की थ्योरी जो थी उन्होंने बहुत ही माइक्रोव्यू लिया था और उन्होंने डील किया था वर्क रिलेटेड मोटिवेशनल प्रॉब्लम उन्होंने मतलब अगर एक सिंपल कंसेप्ट में समझे कि मास्लो की थ्योरी एक लाइफ एप्लीकेशन में भी काम कर सकती है क्योंकि वो सारी नीड्स लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं जबकि हाउस की जो थ्योरी थी वो कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड थी वर्क रिलेटेड टास्क से जुड़ी हुई थी और उसी के बेस पे उन्होंने मेंटेनेंस फैक्टर्स और मोटिवेशनल फैक्टर्स को बनाया तो दीज वर सम सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन दिस थ्योरी अगर आप कहीं भी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करें ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो डू लाइक माय चैनल डू सब्सक्राइब इट शेयर विद अदर पीपल आल्सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं वहां पर अपने सारे पी को कंप्लीटली फ्री शेयर करता हूँ तो वो आपके काम आ सकती है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी